तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज फिर एक और नई वीडियो लेके आ चुके हैं, और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, मैंने अपनी जो पिछली वीडियो में बोला था कि मेरे पास माल्टा जैसे जो कॉल आया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, ठीक है, तो कई लोगों ने उस पर कमेंट किया कि हु द हेल आर यू, कि उसने आपको कॉल किया। कई ऐसे कमेंट्स आए, तो आप लोग स्क्रीनशॉट देख सकते हो, तो उसका यहाँ पे मैं प्रूफ देने वाला हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं भाई इस वीडियो में क्लियर करना चाहता कि मैं कौन हूँ, मेरी रेपुटेशन क्या है, कि मेरा क्या है जो उन्होंने मुझे कॉल किया। मैं जस्ट ये क्लियर करना चाहता हूँ जो लोगों के डाउट्स हैं मेरे प्रति। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको ये पता चल जाएगा कि हु द हेल आई एम, कि उन्होंने मुझे कॉल किया। और एक बंदे ने कमेंट किया था कि भाई इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश सीख लो पहले, तो भाई उसके बारे में बात करेंगे। और आप लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी बात है, अगर आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हो तो आप लोगों को जानना काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, तो कई लोग कहते हैं कि बड़े बड़े एजेंटों को, बड़े बड़े लोगों को कॉल नहीं आते हैं वहाँ से, तो आपको कॉल कैसे आया, तो सारे प्रूफ दिखाऊंगा मैं। ठीक है, सो वीडियो को लास्ट तक देखना, मुझे फॉलो नहीं किया डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। सो अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि मेरे पास कॉल आया था या नहीं आया था, उसके प्रूफ मैंने पहले नहीं दिखाए थे, बट अब मुझे लगता है कि प्रूफ दिखाने ही पड़ेंगे। तो मैंने स्क्रीनशॉट दिखाया जो लोगों ने कमेंट करा था उसका, अब मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। ये स्क्रीनशॉट देखो, ट्रू कॉलर पे नंबर शो हुआ है 356 करके है। अब यही नंबर, ये लैंडलाइन का नंबर है माल्टा का, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का। अब आप लोग सोचोगे कि ये कैसे पता चला। अब इसके बाद मैं बताऊँगा कि कॉल आए भी क्यों, और फिर हु द हेल आई एम, कि उन्होंने मुझे कॉल किया, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, और इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश भी बताऊँगा। ठीक है, सो अब ये नंबर आपने देखा, ठीक है, मैंने 4 डिजिट लट के वो हाइड कर दी हैं। अब इसी नंबर पे मैंने लैंडलाइन से कॉल कराया माल्टा से, तो देखो एक रिकॉर्डिंग, अभी रिकॉर्डिंग आप लोगों के लिए सुनना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये रिकॉर्डिंग सुनो, आप लोगों के सामने रिकॉर्डिंग है कि उस रिकॉर्डिंग में क्या है, तो आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि हाँ ये किसका कॉल था, किसका कॉल नहीं था। अगर आप लोग अभी भी चुल है, कई लोगों को होती है ना, हेटर्स को मोस्टली, जो खुद कुछ नहीं कर सकते और दूसरों के, क्या बोलूँ मैं, दूसरों के चैनल पे आके, दूसरों की जगह पे आके, ठीक है, उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने सुन लिया होगा। ठीक, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इस सुनने के बाद आपको क्या लगता है, अगर अभी भी कोई डाउट है, ठीक है, अब इससे डाउट क्लियर हो गया होगा, अभी भी कोई डाउट है, अभी भी कोई चुल है, लैंडलाइन पे जाओ, ये नंबर डायल करो इंटरनेशनली, आपकी सारी चुल जो हैं, खुजली हैं, सारी शांत हो जाएगी। क्योंकि कई लोगों को होती है, वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी भाई, बहुत ज़्यादा लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं, पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव, बट आई डोंट केयर, मुझे 1 सेकंड लगना है उस कमेंट को हटाने में। ठीक है, आपकी मेहनत लगनी है 10 सेकंड की, मेरा 1 सेकंड लगना है उस कमेंट को हटाने में। ये सुन लिया, अब मैं बताता हूँ कि हु द हेल आई एम, ओके, वाई दे कॉल्ड मी। तो भैया, काफ़ी ज़्यादा लोगों के क्वेश्चन थे कि बड़े बड़े एजेंटों को वो कॉल नहीं करते हैं, तो तुम्हें कॉल क्यों किया? तो अपॉइंटमेंट्स बंद होने से पहले, प्रूफ आपके सामने है यहाँ पे, देखो स्क्रीनशॉट। अपॉइंटमेंट बंद होने से पहले मैंने बोला था कि कल VFS या अपॉइंटमेंट में से कुछ बंद हो सकता है। रिजल्ट आपके सामने था, अपॉइंटमेंट्स बंद हो गई, उसके नेक्स्ट डे मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी, तो वीडियो भी जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, ये उसके नेक्स्ट डे या फिर उसके नेक्स्ट के नेक्स्ट डे मैंने वीडियो भी बनाई थी, तो वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो। ओके, अब उसके बाद कॉल क्यों आया? तो बेसिकली कॉल आया था कुछ एप्लीकेंट्स के लिए, ठीक है, उनकी क्वेरी, उनकी इंफॉर्मेशन, या फिर कह सकते हो कि उनके बारे में कुछ पूछने के लिए, ठीक है, कुछ कॉल आए थे। ओके, सो अब शायद आप लोगों को आधा समझ में आ गया कि हु द हेल आई एम, व्हाई दे कॉल्ड मी। ओके, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि बड़े बड़े एजेंटों के पास कॉल नहीं आते, क्योंकि उनको कुछ नॉलेज नहीं होती है, मैं एजेंटों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो खोल के बैठ जाते हैं। मेरे पास आज के टाइम में, मैं अभी
इसी टाइम मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ऐसे ऐसे एजेंट हैं जिन्होंने खोल के बैठ गए हैं, बट इन्हें कुछ नहीं पता है। मेरे से पूछा था एजेंट ने, मैं हाइड करके दिखाऊंगा आपको। देखो ये सामने, आप स्क्रीन शॉट देखो, माल्टा के नाम पे 8-8 लाख रुपए ले रहे हो, तुम्हें इतना नहीं पता, तुम दूसरों से पूछ रहे हो। इंटरव्यू के क्वेश्चन उन्होंने ऐसे मुझे दिखाए कि मैं भी देख के सोचा कि क्या ही होगा जो जिन्होंने भी इनके थ्रू अप्लाई किया उनका, और उनको इन्होंने ये इंटरव्यू के क्वेश्चन दिए थे कि ये रेडी करो, इसी में से पूछेंगे, वो भी 2 साल पुराने, 2 साल पहले तक ही पूछते थे। अब बात कर लेते इंग्लिश की। तो भैया जो भी कहता है कि इंग्लिश मेरी अच्छी नहीं है, आई एग्री मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, बट स्टिल आई हैव गिवन माई आईएलटीएस एग्ज़ाम, ओके, एंड आई स्कोर 6.5 ओवरऑल, अंडरस्टूड। सो मैं इंग्लिश में नहीं बोलता, डैट डजेंट मीन कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है। आपको इंग्लिश आती है, आपने कौन सा पहाड़ उखाड़ लिया, आप भी तो यहीं के यही हो, बल्कि और भी बुरे काम कर रहे हो, और भी गंदे काम कर रहे हो, ना खुद करते हो ना दूसरे को करने देते हो, कमेंट ही कर रहे हो कि इंग्लिश आती है तब भी, ओके। मेरी पहले की जो वीडियोस अगर आप लोग देखोगे तो इंग्लिश में थी स्टार्टिंग की वीडियोस, जर्मनी से ऊपर जो थी। कई लोगों की हिंदी अच्छी होती है, कई लोगों की इंग्लिश अच्छी होती है, मेरी इंग्लिश है, जर्मन है। अगर किसी को ज़्यादा है कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मेरे से जर्मन में बात कर लो, ठीक है। सारी चीज़ें सेम नहीं होती हैं, ये कुछ लोगों के ज़्यादा चुल्ल मचरी थी तो इसके वजह से वीडियो बनानी पड़ी। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नॉइस बैकग्राउंड में आ रही है, बट अब क्या करें, लोगों को ज़्यादा है, तो मैं भी सोच रहा था काफ़ी टाइम से कि क्यों ना वीडियो बनाई जाए। वो लोग भी इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब वीडियो आएगी, कब क्या होगा, और आप लोगों के भी मन में डाउट होगा व्हाई दे कॉल्ड मी। सारे प्रूफ मैंने आपको दिखा दिए, लास्ट डिजिट मैंने इसलिए हाइड कर दिए हैं कि कहीं कुछ आप लोगों को भी ना हो। चलो ये भी मैं हाइड नहीं करूँगा, ठीक है, अब ये मैंने अभी वीडियो में बोला है, लास्ट में ये भी मैं हाइड नहीं करूँगा, बिना हाइड करे आपको दिखाऊँगा। वीडियो पसंद आई हो ना, वीडियो को लाइक करो, ठीक है। मैं जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देता हूँ, मेरी इन्फॉर्मेशन या तो मैं दूंगा ही नहीं, या दूंगा तो विद प्रूफ दूंगा, कभी गलत नहीं हो सकती 99%। मैं सारी रिसर्च करने के बाद ही, सारी चीज़ों को कंफर्म करने के बाद ही इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मेरे से माल्टा में जो लोग बैठे हैं वो भी चीज़ें पूछते हैं, ये मैं अपनी कह सकते हो तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये बता रहा हूँ उन लोगों को, ये लोग जो ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं। बाकी बात करूं कमेंट की, तो कई जो भगवान की वीडियो होती हैं यूट्यूब पे, जो कई कह सकते हो रिलीजियस वीडियोस होती हैं, उन पे भी ऐसे कमेंट्स आते हैं, तो फिर मैं क्या चीज़ हूँ। तो करने वाले तो करते रहेंगे, बट कुछ चीज़ें थी जो मुझे क्लियर करनी थी, सो आई होप कि वो क्लियर हो गई होंगी। तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, फॉलो नहीं किया वहाँ जाके फॉलो भी कर सकते हो, मैं टाइम टाइम पर वहाँ पर इंफॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द वीडियो, आपने टाइम दिया वीडियो देखने के लिए।